ये देखिए, मैं बना रही हूँ पुलाव के लिए यखनी। मैंने लिया है 2 किलो गोश्त, उसमें डाली है खड़ा धनिया, सौंफ, खड़ी सौंफ साबुत, और ये प्याज। अब इसमें डालूँगी नमक और इसको खूब अच्छे से बॉईल लगा लूँगी। यखनी तैयार हो जाएगी, फिर पुलाव बनाएंगे। चाहे तो धनिया और सौंफ को पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से खुला हुआ डालती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। पुलाव की यखनी में ये लहसुन की 2 डलियाँ और डलेंगी। देखिए, पुलाव के लिए हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब हम पुलाव बघारते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें खुशबू के लिए मैं थोड़ा सा देसी घी भी डालूंगी। यखनी तैयार हो गई, उसमें से हमने बोटियाँ अलग कर ली हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको बघारते हैं। ये बघार के लिए देखिए, मैंने प्याज ली है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, और एक गर्म मसाला लिया है। इसमें तेज़ पत्ता है, बादियान फूल है, जवत्री है, ज़ीरा है, लौंग है, और दालचीनी, और ये फूल पत्थर है। इसको अब हम बघारेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तीन टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस अब इसमें अपने की बोटियाँ डाल देंगे। अगर ज़्यादा भूनते हैं तो फिर उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये लहसुन को भी मैंने इसमें निचोड़ दिया है, जो अखनी में डाला था। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे दही। देखिए, गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें यखनी का पानी डालेंगे और चावल डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें चावल मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे सोहाना का बिरयानी मसाला। ये देखिए, हमारा पुलाव तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी सी तली हुई प्याज से इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा 2-3 मिनट के लिए इसको और दम लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा यखनी पुलाव तैयार हो गया है। बेहतरीन खुशबू आ रही है, इस तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए।